अरे ले जा जल्दी, अरे ले जा जल्दी और जा पे चढ़ रही है हल्दी, अरे ले जा जल्दी जा पे चढ़ रही है हल्दी और अब रुकने का काम नहीं तेरा, यहाँ रुकने का काम नहीं और मैं रोद रोद सबको नहीं मारू तो बलताऊ मेरो काम नहीं। रसिया की शुरुआत जब हो गई, एक एक कहानी से आप लोग माफिक हो गए और सब जिस लैंड पे भी आपको आनंद आए, बालकोनी वाले हो तुम भी और तुम भी, कम से कम हमें एहसास होना चाहिए कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है। हाँ साहब, रसिया की काबिलियत है, अरे दूल्हा कोई बनो, अरे दूल्हा कोई बनो, दुल्हन कोई ले गयो और। समझ में आ रही है बात, बारात लेके दूल्हा बन के तो कोई गयो और वहां पे पहले ही कोई जुगाड़ कर ले वो, और यहाँ की बात ना है कब ऐसी कोई कौन घर की बात हो, बिल्कुल पुरानों की बात है। कौन कौन ले गया, एक एक लाइन आपको अच्छी लगेगी लेकिन आप लोगों को अच्छी लगे तो वो मिलना चाहिए, देखो इनको भी और हमको भी। हाँ साहब, अरे दूल्हा कोई बनो, दुल्हन कोई ले गयो और, अरे सब खड़े बराती देखे रहे।
पहला बीला। अरे स्वर्ग लोक ते इंद्र चलो, स्वर्ग लोक ते इंद्र चलो, देवन की परात है न्यारी। अरे स्वर्ग लोक से इंद्र चलो, देवन की परात है न्यारी। लपका देखत रह गयो तुम्हें पीने नल के माला डारी। हमारे बड़े बूढ़े बैठे राजा नल का ढोला सुना हो, दुमहती की शादी दुमहती की माँ ने इंद्र के लिए पत्र भेज दिया, लेकिन राजा भीम ने नलपे को पत्र भेजवाया या पहुंच गया धोखे से और इंद्र की बारात आई, लेकिन दुमहती ने माला नल के डार दी और इंद्र को नीचा देखना पड़ा। और क्या हुआ? अरे इंद्र जे मरे वेकू, अरे सब खड़े बराती देखे रहे। अब दूसरा दूल्हा मोहर रखे गयो और दूसरे को जुगाड़ कैसे खराब पायो? हाँ साहब, तुम रेंदे होते आता है वो काम। सज धज के शिशुपाल चलो, सज धज के शिशुपाल चलो, लेके संग संग संगाती। अरे सज धज के वो शिशुपाल चलो, लेके संग संगाती। करण भैया, अरे लेके संग संगाती और टाटा करके कई रुक्मिणी सबको हाथ हिला दी, सबको हाथ हिला दी। कैसे गुरु? अरे लात मार के फेंको ये धागू। आला खंड में आपने सुना होगा मछला की शादी धांधू से हो गई और पटा पे बैठो वो मंत्र पढ़ रहे पंडित जी, इतने में उधल आयो पीछे ते लात मारी। हमारो बड़ो भैया आला भाई कुआरो है और बहन जो दासी के तेरो ब्याह है जाए तो देखिए वो बेचारे को मोर मोर गिर गए। हिमू मामलो खराब कैसे भयो? अरे लात मार के फेंको ये धांधू, चौपन के दूल्हा आयो। अरे लात मार के वो फेंको ये धांधू, चौपन के दूल्हा आयो। और मछला के संग आला ने फिर जबरन ब्याह रचायो।
फलन देखोर। और शर्मा जी तीन दूल्हा हमने गाए, उम्मीद करता हूं एक दो इधर से भी आएगा। अरे डॉक्टर कहते बीच सभा में और मेरी पैर लड़ियो, अरे डॉक्टर कहते बीच सभा में मेरी पैर लड़ियो, और जैसी मिसालें मैंने गाई ऐसी लिख के गईयो, ऐसी लिख के गईयो। सब खड़े बराती और भैया एक मिनट को अपनी कुर्सी दे दो और माँ साहब धुन बजाओ, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। हमारे लोग बड़ी देर से परेशान है रहे के चिपकनों को तो कुछ वही नहीं रो, तो चिपकनों सुनो। बड़े तो बहुत आज तुम ना, तुम्हें तो जब ही बुलवाऊंगा मैं, आ जाओ। अरे छोड़ो ये सरमाना, छोड़ो ये सरमाना, ये मौसम है सुहाना कि जी ना लगे। कछु गांव में जब ही समझ में आवे होगा पहली कुत्ती गुज्जे तो वही समझ में, कछु का आवन तो दो हमें कम से कम। अरे साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, ये मौसम है के लिए चीज जे बस में। अरे रहने दो चाचा, रहने दो, कोई बात नहीं है बुधवार। अरे रहने दो चाचा, रहने दो। अब देखिए बस में सवारी कौए कम बस चलते हो तो ठुसा ठुस ठुस जाते हैं एक मिनट में। भैया शांति बनाओ, बहुत जल्दी सवारी भर जाते हैं कि बाबा गांव के अपने या नाती है लेके और दिल्ली दर्शन को गए। इनको बड़ो छोरा रहे तो दिल्ली तो जल्दी से दा घुस गए। इन्हें कही बेटा तू एक घिल ले, एक तू घिल ले, आराम से लेटे चले गए। इन्हें जी मालूम नहीं कि आर अच्छी सीट होते दिल्ली में, कौन लेट जन की सीट होते, कौन आर अच्छी सीट होते, यहाँ पे सांसद भी बैठेंगे तो छोरा बैठा दो एक सीट पे, खुद वापस बैठ गए। अब ये मैडम आई, इन्हें की बाबा उठो ये जनानी सीट है, तो देखिए बाबा की और इनकी क्या बात होती है। एक एक बंदा आपको मजा देगा और जब तब मजा आवे तो हमें वो मजा आना चाहिए। हाँ सर, बाबा
क्या बात है, बड़े गौर से देख रहे हो, ये कह रही है ये क्या किया तुमने, क्या कर दो, ये मेरी सीट है, मेरी सीट पे सामान क्यों रख दिया, तेरी सीट पे सामान, हाँ तेरी सीट है मेरी सीट है, ये महिला सीट है इस पे लिखा हुआ है, तुम देखो तो सही, भैया मैं तो काम को आती हूँ, मैं तो पढ़ो लिखो इतना आता ना हूँ, तो बाबा ऐसा करो अब, हाँ अपना सामान पकड़ो अपने हाथ में और सीट को खाली करो, सामान हाथ में पकड़ो, हाँ सामान अपना हाथ में पकड़ो और सीट खाली करो जल्दी, बाबा तुम जल्दी, बाबा के बिल्कुल सही कह रही, आरक्षित सीट है, सुनो मेरी बात, अरे बाबा तुम जल्दी उठो और अपनो हाथ में ले सामान, और ये तो जनानी सीट है, तुमने तनक करो ना ये ध्यान, मैं बैठो खाली देख के, बैठे तुम वही देख के बैठे, बके मत, बड़े बूढ़े आदमी पे इल्जाम लगा रही है, बहुत देर तो देख रही बाबा को, ये देख रहे हो, मैं बैठो खाली देख के, मैंने ना करो गौर, और कहां धरूं सामान में, ना पांव धर ले तू, ये बाबा सुनना रे, हाँ नो कह रही मैं ऊपर रखोगे सामान, तेरे ऊपर क्या रखूंगा, ना सोच तो ऐसे रहे मैं ऊपर रख लेगी, जाने कह दई कि जे जनानी सीट है, एक वो आयो जी आरक्षण सीट है, तीसरा आवाज बोलो भैया तुम कहते बैठे बैठे मैं संबंधी करा रहा की है, अच्छा ये बात है, तो मैं तो बड़ा परेशान, अरे सीट खाली भरी को शर्मा जी, सीट खाली भरी को कैसो चक्कर पड़ो, अरे सीट खाली भरी को कैसो चक्कर पड़ो, ये सीट खाली भरी को कैसो ये चक्कर पड़ो, और जाते तुम बैठो तो जा सीट में, सीट खाली भरी को कैसो ये चक्कर पड़ो, और जाते तुम बैठो तो मैं लौड़ा, जाते तुम बैठो तो मैं लौड़ा, ये कर दो खड़ो, हंस रहे हैं, हंस का ही रहे हो भैया, अब जो सीट गिरी भैया, अब तुम्हें बैठना हो तो लोड़ा तो खड़ो करना पड़े, अरे सीट खाली भरी को कैसो चक्कर पड़ो, और जाते तुम बैठो तो हमारी तो डुकरिया ही, मेरा हाल देख रहे हो बड़े बूढ़े की तरह, मैंने बहुत मने करी डुकरिया थे मेरे संग मत भेज, ले रे फकत सामान भी आ गया, नायमानी डुकरिया, नायमानी डुकरिया लौड़ा भेजो ए जबरिया, तो लटक रही पुटरिया जाते हाथों में, आ रही है समझ में, नायमानी टुकरिया चलोड़ा भेजो है जब
खबरिया तुए लटक रही पुटरिया जाके साथ में। अब तुम्हें बता भैया कहां सामान दारू, कहां सामान दारू, अब मैं काका समारू और जे लोड़ा पकड़ाए दऊं किन के हाथ में। मेरी बात समझ ले गु, बहुत टाइम लगेगा। समझ रही हूँ मैं सब, बहुत देते। अरे कहाँ सामान दारू, अब मैं काका समारू जे लोड़ा पकड़ा दू किन के हाथ में। और पहली बार तो वैसे ही आए हो, अब यह सामान है समारे लोड़ा है कौन के हाथ में पकड़ा दे, और पकड़ाऊ तो काऊ के हाथ में, और खोएगो तो हम तो यह लोड़ा ये ढूंढ टोली। ये आदमी के ऊपर बस में, आदमी के ऊपर बस में, आदमी चढ़ो सीट खाली भरी को बसो चक्कर पड़ो। देख ये लोड़ा है लारी। मैडम यह बात है तो हम देख रहे हैं, बड़ी मुश्किल तो घुसो, हमने कही घुस घुस तो दसियों सीट घुस गई, जब बड़ी मुश्किल तो घुसो और घुसते ही तो पुत्र या उल्टी है, और जब इतनी धुएं सी डाल परो है नेक हवा लगी है कि तुम्हें लग रो ना सुस्त सब परो का है, क्या मैं बड़ी एंट है नेक गुस्सा में आ जा तो मामलो गड़बड़ कर देते। बाबा हां ये लोड़ा तो क्या बड़ो कर लो पर रो है मोए माली में ससुर दिल्ली तन जन जन कितन बपटवा दे वो मोगी दिख रो है। अरे बड़ो गरम पर रो ये तो जे लोड़ा है नारी जामे एंठ बड़ी भारी और छेड़ोगी तो ठाड़ो खे जाए वो। जे लोड़ा है नारी और जामे एंठ बड़ी भारी छेड़ोगी तो ठाड़ो खे जाए वो। और न झुकाए झुके वो फिर ना मोऊ पे रुके वो ये बस में पमाड़ो है जाए वो। और देखत में ही छोटा, देखत में ही छोटा जा में गुस्सा बड़ो, देखत में छोटा जा तो अब और कछ ना हो ना उतरी
एक संग तो ना ये बात हमारी मान जाइए, और नेक मुसीबत झेलो, और नेक मुसीबत झेलो हमने काहे को लड़ो, नेक मुसीबत झेलो शर्मा जी। ज्यादा देर ना हो इसलिए लास्ट बंद कर रहे हैं, आखिरी बंद जरूर आप सुनोगे। जब कभी भी बस में झगड़ा करते हैं नए नए बच्चे तो ऐसे बड़े बूढ़े समझाते हैं, भैया अरे नेक देर की बात है तो वो, और ये हम सब लोग जिंदगी का सफर ही कर रहे हैं, जिसका स्टेशन आ जाता है वो उतर जाता है। तो देखिए बंद सुनिए और मजा लीजिए। हंसा घर है शर्मा जी, क्या बस में ना तुम रहोगे ना मेरा वो नजर रहेगी, नहीं काऊ को घर है ये तो प्यार को सफर है, और काट ले ओ प्यारे सभी प्यार से, यहाँ ना काऊ को घर है ये तो प्यार को सफर है, प्यारे काट ले ओ याकू सभी प्यार से। शर्मा जी ये जीवन की ज्योति, ये जीवन की ज्योति बड़ी कमजोर होती, तुम ले लो नसीहत साहूकार से। चक्कर पड़ो